गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईस्ट आइसलैंड। लग ही नहीं रहा कि आइसलैंड है भाई, धूप कड़ाके की लगी हुई है। बस ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मैंने फिर भी वाटरप्रूफ जैकेट पहन ली है क्योंकि पता नहीं लगता आइसलैंड है, लेकिन इट्स एट द मोमेंट जो हीट लग रही है, और होपफुली कह रहे हैं अगले 3 4 दिन वेदर ऐसा ही रहेगा, तो इट वुड बी नाइस। अब प्लान यहाँ से ये है कि मैं चाय बना रहा हूँ, यहाँ से हम लोग नाश्ता करेंगे अभी, फिर हम लोग निकलेंगे ईस्ट की तरफ। वहाँ पे 4 5 वाटरफॉल्स हैं, और फर्दर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ फिर हम एक्चुअल, आज हमारी जो स्टे है, हमारा जो स्टे होगा वो आज नॉर्थ वाली साइड पे होगा। तो स्टे ट्यून्ड, आज बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, एक दो कैनियंस भी हैं, और रास्ते में जो जो नज़र आया उसको मैं जितना हो सका उतनी अच्छी तरह कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स गो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हम लोग इस वक्त एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है गुफू वाटरफॉल और गुफू फॉल्स, और मुझे नहीं पता था कि वो एक पहाड़ क्रॉस करके आती है। और हम लोग इस वक्त जो पहाड़ नीचे से देख रहे थे पिछले 2 3 दिनों से, इस वक्त हम एक माउंटेन पास के ऊपर से गुजर रहे हैं। वाटिक कहा करते थे, है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। भाई ये हम लोग पहुंच गए इस वक्त गुफू वाटरफॉल की पार्किंग में। पार्किंग तो नहीं है, रोड साइड पार्किंग है। वाटरफॉल में आगे जाके दिखाता हूँ, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये रूट, क्योंकि ये एक माउंटेन पास था। इस कदर खूबसूरत, इतनी वाटरफॉल्स हैं इसके अराउंड के आपको यकीन नहीं आता यार। और ये मेरे ख्याल से इनमें से सबसे शायद बड़ी वाटरफॉल होगी, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा रुकते हैं। मैं भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ और वाटरफॉल के करीब जाके ज़रा सिनेमेटिक शॉट्स। जैसे जैसे मैं वाटरफॉल के करीब जा रहा हूँ प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया हवा का, लेकिन वेदर अच्छा है। उस तरह से नहीं है जिस तरह पिछली वाटरफॉल थी, लेकिन वो तो बहुत बड़ी वाटरफॉल थी, ये तो एक छोटी सी वाटरफॉल है यार। रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। यहाँ पे पानी का स्प्रे आ रहा है इस वक्त पीछे से, लेकिन क्लोजअप में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। Amazing! Gufu waterfall is done. Next stop, probably another waterfall. मुकड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर। ओके, हम लोग वापस रिंग रोड पे आ गए हैं, और फाइनली हमें पिछला बोनस
शायद सेल्फोस में मिला था, उसके बाद अब बोनस आया यहाँ पे, तो अपन ज़रा जाके थोड़ी सी सस्ती ग्रोसरी कर लें। सब्वे भी है यहाँ पे, A4 पता नहीं क्या है, स्टेशनरी होगी। ये यूज़ कर सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। ऑन द रोड एक छोटी सी, छोटी तो नहीं बड़ी वाटरफॉल आई है, उसका व्यू पॉइंट है, थोड़ी ट्रैक करके जाते हैं आगे। वाटरफॉल का नाम है रजुकंडा फॉस, फ्लुएंट माय। ये वाटरफॉल 139 मीटर्स हाई है, सो इट्स क्वाइट टॉल वाटरफॉल। लेट्स गो। तू चमके किस्मत उसकी, तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं, चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। स्टुटगिल के दो रास्ते हैं, एक रिवर के राइट पे है और एक रिवर के लेफ़्ट पे। लेफ़्ट वाला रास्ता लेना है अगर आपने सही तरह से इस चीज़ को देखना है, और लेकिन उसमें ये है कि एक दो दो तीन किलोमीटर की वॉक हो जाएगी, और रूट कुछ इस तरह का है। ऑलराइट, सो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग पहुँचे हैं स्टुटगिल की पार्किंग में। इसकी दो पार्किंग्स हैं, एक रिवर के लेफ्ट साइड पे जो तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे है, और एक ऊपर है रिवर की राइट साइड पे, उसका व्यू पॉइंट है काफ़ी सारी, कुछ 4-5 हज़ार सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। तो सजेस्टेड ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएँ और वॉक करके जाएँ। जो ट्रैक है वो हल्का सा शुरू में चस्क कराना शुरू कर देता आप। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नीचे ये ग्लेशियल रिवर है जो फ्लो कर रहा है, और इस वक्त इसका फ्लो ज़्यादा है क्योंकि समर्स हैं, तो पानी इसमें ज़्यादा है, वरना इस पूरे एरिया में पानी शीशे की तरह फ्लो करता है, स्पेशली अराउंड विंटर्स। पहले हम लोग उस व्यू पॉइंट पे चले गए थे, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम लोग इधर आ गए, क्योंकि ये पीछे जो नज़र आ रहा है, दीज आर एक्चुअली द बेसाल्ट कॉलम्स। और इसकी मैं थोड़ी सी जियोग्राफी बता दूं, इसकी फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि जब लावा इधर से गुज़र जाता है, तो लावा फील जब कूल डाउन होती है, तो इस तरह के कॉलम्स में कूल डाउन होती है, उसके इस तरह के कॉलम्स बनते हैं, हेक्सागोनल कॉलम्स। तो फिर यहाँ से पानी फ्लो कर करके इरोजन के साथ साथ आपको ये कॉलम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो आइसलैंड की इट्स वन ऑफ दोज लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कॉलम्स विजिबल हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल। तू
नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले तो तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा, तू हमसे आँख ना फिरा, तुझे पसंद है आज जा। अच्छा, as it can be seen, ये कॉलम्स वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, और इसमें आपको उसकी हेक्सागोनल शेप नज़र आ रही होगी। बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है यार। मैं तुम्हारे पास हूँ सदा, है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज। भाई, this was another very amazing experience. अगर मैं थोड़ा और समर्स के बाद आता ना, तो यहाँ पे पानी बिल्कुल आराम आराम से फ्लो करता है, तो वो और खूबसूरत लगता है। लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर्स देख के, और जो पानी है, और इवन जो लोकेशन है, इवन द हाइक, अमेजिंग। अभी 2 किलोमीटर की वॉक हमारी पड़ी है वापसी की। यहाँ से हम निकल रहे हैं अब अगली लोकेशन गेम ऑफ थ्रोन के फैंस के लिए। बहुत खूबसूरत और बड़ी स्पेशल लोकेशन है। Let's go. ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम। हम लोग ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, और लैंडस्केप इतना खूबसूरत है, इतना अमेजिंग लैंडस्केप है, मैं क्या बताऊँ। मतलब देवसाई प्लेन्स वाला सीन है, लेकिन उसको और ऊपर कर दें यार। कोशिश करता हूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। ब्लैक सैंड और इधर नॉर्थ की माउंटेन्स का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम
कभी गरम कभी नरम, नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम, नरम गरम हो बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, बाहरे मालिक बाहरे मालिक दुख और सुख। शक्ल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है मट्टी की वजह से, ईस्ट आइसलैंड में बहुत मट्टी है यार। एनीवे, गेम ऑफ थ्रोन लवर्स भाई, ये वो केव है, अगर आप लोगों को वो एपिसोड याद हो जिसमें जॉन स्नो वॉल की उस साइड पर चला गया था, वहाँ पे वो वाइल्डलिंग से मिला था और उसके बाद वो वापस आया था और अपने साथ एक लड़की भी लेके आया था, यिगरेट, जो इसकी एक्चुअल करंट वाइफ भी है। तो उन्होंने ये जो केव है इसके अंदर कुछ गैर इखलाकी हरकत की थी जो बहुत फेमस है। तो जो उस मूवी में जो केव दिखाई गई थी, उस सीज़न में जो केव दिखाई गई थी, वो एक्चुअल ये वाला केव था जो मैं भी अभी जाके दिखाता हूँ अंदर से इसको। और इसमें तो बहुत अंधेरा है दी, एज इट कैन बी सीन ब्लूइश किस्म का पानी है और गर्म है और सल्फर की स्मेल आ रही है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा। अदील नीचे उंगली लगा के आया है तो अच्छा, गर्म पानी था ना ज़्यादा? नहीं, गर्म नहीं था, ठंडा। गर्म पानी है, इसमें स्विमिंग अलाउड नहीं है। मैं भी केव की दूसरी एंट्रेंस पे जाके वहाँ से वीडियो बनाता हूँ। राइट, ये केव की दूसरी एंट्रेंस है, इधर स्टेप्स बने हुए हैं यार। यहाँ से केव ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ये मैं इस वक्त केव के अंदर आके खड़ा हो गया हूँ और इस साइड पर क्योंकि लाइट पड़ रही है तो पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है और ब्लूइश सा है, उधर लाइट थोड़ी कम है तो इसलिए ज़रा सा डिफरेंट है। अदील ज़रा इस साइड मोड़ कैमरा। आज ब्लू है पानी 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 यार। वो गेम थ्रोन वाले मिलेंगे इधर? नहीं, वो नहीं मिलते। शुरू हो गया है, मेरे कान गर्म हो रहे हैं इस वक्त। इधर से जो हीट निकल रही है ना पानी के अंदर से, आई कैन फील इट, यू नो, कि मेरे कानों को जो है ना इस वक्त हीट लग रही है। तो अभी मैं निकलता हूँ केव से और नेक्स्ट स्टॉप हम ज़रा एक हॉट पूल में जा रहे हैं। वो जो मैं भी केव में था नीचे, ये उसके ऊपर वाला एरिया है। ये पता लग रहा है कि पूरी जो है ना ये, जब क्योंकि इधर वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक की वजह से जो क्रैक्स बनते हैं, दिस इज़ एक्चुअली one of that crack. Okay, so अभी हम जिस टाउन में हैं इसका नाम है मीवैटन। मैं प्रोनाउंस इसको डेफिनेटली गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये MYVTYN इस तरह करके आता है। और इस टाउन की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो है, इसका एक नेचर बाथ है जो एक्चुअली इज़ क्वाइट सिमिलर टू द ब्लू लगून। तो ब्लू लगून बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक सस्ता वर्जन है ब्लू लगून का, और ये दूर भी है तो यहाँ पे लोग भी बहुत कम है, इतना कमर्शलाइज नहीं है। लेकिन नॉर्थ मोस्ट ये सबसे बेस्ट लगून है अगर आपने प्रॉपर हॉट वाटर के अंदर बाथ लेनी है। तो अभी हम वहाँ पे जाने हैं। और हम पार्किंग पहुँच गए। Amazing. आज बहुत चसा है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पल को पानी इंतहाई ब्लू है और ये मिनरल्स की वजह से इस तरह से ब्लू निकल रहा है और नीचे इन्होंने ब्लैक की सैंड डाली हुई है और फिर आपको पैरों को भी मसाज मिल रहा है।
लेकिन जो मज़े की चीज़ है उसकी लोकेशन है वो हाइट पे है, और आप पूरी वैली जो है ना, वैली तो नहीं है, जो पूरा लैंडस्केप उसका सनसेट इस वक्त नज़र आ रहा है। साथ पानी है, और जिस पूल में पानी है थोड़ा नीम गर्म है, उस पूल में ज़रा ज़्यादा गर्म है, लेकिन ओवरऑल ये मेरे ख्याल से ब्लू लगून तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ है, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है इन माय ओपिनियन। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो इन जुल्फों में गूंजेंगे हम। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। मेरा दोस्त अदील पता नहीं किधर चला गया है। बड़ा वो सब पानी से निकल के और बड़ा हो गया, भूल गया था वो। ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें। इस वक्त इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना, मतलब इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, पूरे के पूरे जो लैंडस्केप है उसका कलर नज़र आ रहे हैं, और ऊपर से ये ब्लू किरण, ब्लू जो वाटर है, इसको बिल्कुल दो काम है। आज ये हमारी आखिरी एक्टिविटी है, इसके बाद हम लोग जाएंगे अब कैंप साइट जो आधा पौना घंटा दूर है, और नेक्स्ट डे है वो हमारा नॉर्थ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। तो आज का व्लॉग इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ, अनटिल टुमारो। इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को, इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।